तरफ से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस मेकअप इंस्टीट्यूट के बारे में, क्या आइडिया था इसके पीछे, थोड़ा सा अगर इसके पीछे काफ़ी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एम है जो हम करना चाहते हैं. जैसे जो कोविड में जो लोग अफेक्ट हुए हैं, जिनके फैमिली उन्होंने किसी को लॉस किया है, कभी हस्बैंड या वाइफ, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाले हैं. यहाँ पर हम सेमिनार्स रखेंगे, हम एक वन मंथ का कोर्स रखने वाले हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे ताकि वो अपने आप खुद एक स्टैंड कर सकें, खुद कुछ अपनी एक इनकम कर सकें. एंड या एंड वी हैव अ प्रोफेशनल मेकअप कोर्स ऑल्सो विच इज़ लाइक यू हैव टू पे फॉर दैट. वो एक अलग कोर्स है, बट एक हमारा जो मेन एम है सपनापति फाउंडेशन के साथ हमको जुड़ के, कि हम इनके साथ मिलके कुछ अच्छा करना है फॉर पीपल. अभी सब सफ़र कर रहे हैं इतना, पीपल आर सफरिंग सो मच फिनेंशियली मेंटली. सो या इट्स अ लिटिल ऑफ यू नो एक एम्पावरमेंट फॉर वुमेन एंड यू नो. या स्वप्ना मैम, आपसे जानना चाहूँगा, जो स्वप्नापति फाउंडेशन है, लगातार हमने देखा कि कोविड के टाइम में भी लोगों को हेल्प करा था, तो ये इंस्टीट्यूट के पीछे क्या आइडियाज़ है, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं, और कैसे कोलैबोरेशन हुआ आप लोगों का? सी, स्वप्नापति फाउंडेशन हमेशा कुछ नया और कुछ डिफरेंट करने के लिए सोचते रहते हैं. तो इस बार हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया राशन वासन, वो सब कुछ नहीं किया, क्योंकि वो सब लोग आके वो सब कर रहे थे. बट हमें इस बार लगा कि हम कुछ डिफरेंट करें, क्योंकि जो लोगों का रोजी रोटी चला गया है, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गए हैं, तो उनके घर पे जो बच्चे हैं उनको हम लोग एम्पावर करना चाहते हैं. तो खुशबू जी के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी हम लोगों की, और हम सोचे कि जब ये एक इंस्टीट्यूट चला रही है और इनको पता है मेकअप के बारे में, नॉलेज है, तो हमें लगा कि ये सबसे बेस्ट रहेगा. और आज के डेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ है मेकअप का है, सलोन का है, और एवरीबॉडी वांट्स टू डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस एंड एम्पावर देमसेल्फ इनटू दिस. तो हमें लगा कि ये सबसे बेस्ट रहेगा दिस कोविड के टाइम में, जिनका भी जॉब नहीं है, जो भी कुछ करना चाहते हैं, वो बेटर इनकम के लिए ये सबसे बेस्ट प्रोफेशन रहेगा. तो स्वप्नापति फाउंडेशन की तरफ से हमने एक वन मंथ का फ्री कोर्स रखा है मेकअप का, और उसके बाद हम लोगों का इनके इंस्टीट्यूट की तरफ से जैसे भी है कि प्रोफेशनल मेकअप कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, वो सेपरेट रहेगा. बट फाउंडेशन का मेन मोटो रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो जिनके पेरेंट्स नहीं रहे और जो कुछ करना चाहते हैं अपने बलबूते पे, उनको हम लोग कोर्स प्रोवाइड करेंगे. राजेश सर, इस कोविड के टाइम में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, वो फिर मेल हो फीमेल हो, तो आप लोगों ने मतलब ये कैसे सोचा, क्या आइडिया था इसके पीछे, उस बारे में बताइए. और खुशबू जी की तरफ से किस तरह का रिस्पांस आया जब इस आइडिया के बारे में आप लोगों ने बताया? जस्ट हमने एक बार देखे कि कोविड में बहुत सारा लॉस हुआ है, तो अभी क्या है, हम रिकवर करना चाहते हैं जो लॉसेस को, इसीलिए हमने फाउंडेशन के तरफ में कुछ अलग करने के सोच रहे थे. मगर तब खुशबू जी के साथ एक बार मिले और बात किए, तो उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया लिया कि ऐसे कर सकते हैं, और इसका बाद आप आज देख रहे हैं ये शुरू हो गया है, और इसको बहुत आगे लेके जाना है. और हमें यह है कि हर सिटी में एक एक ब्रांच खोलना है, हर जगह में, हर कैपिटल में, और गांव में भी हम जाएंगे, क्योंकि इसमें जो लोग एम्पावरमेंट होंगे, ये एक आगे जाके एक बड़ी बिजनेस है, वो इंडिविजुअली फ्रीलांसर भी कमा सकते हैं, कोई सैलून में जाके नौकरी भी कर सकते हैं, तो ये बहुत एक एम्पावरमेंट है. खुशबू जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग वन मंथ का कोर्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट है वो उनको कैसे मिल पाएगी, अगर उस बारे में कुछ बताएं? देखिए, मेरे पास कुछ कंपनीज है जिनके थ्रू मैं काम करती हूँ, तो मैं उनको ऑफकोर्स मैं उनको बोलूँगी कि आप वहाँ जाएँ, वहाँ पे जाके अपना प्रोफाइल दें. हम उनको फ्री फोटोशूट्स भी देने वाले हैं, ताकि उनके पास अपना कुछ काम हो दिखाने के लिए. यहाँ तो वो लोग सीख तो लेंगे, बट दे शुड हैव सम वर्क टू शो. अब जब तक काम देगा नहीं, वो कुछ काम देगा नहीं. सो वी हैव 6 फोटोशूट्स ऑल्सो जो हम यहाँ पे करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री में हमारे फोटोग्राफर्स आएंगे, उनका शूट करेंगे, मॉडल्स आएंगे, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. सो येस, आई गिव देम सम रेफरेंसेज. वो जाएंगे कंपनीज में जाएंगे, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज में जाएंगे, वेडिंग कंपनीज में जाएंगे. इन उनको उनका काम अच्छा लगा तो उनको काम जरूर मिलेगा. स्वप्ना जी, इसके अलावा आप लोगों का प्रोडक्शन हाउस भी, आप खुद एक एक्ट्रेस है, तो आपको लगता है कि वो फील्ड में भी मतलब बहुत जगह पे आप भी उनको हेल्प कर सकती है, या फिर जब यहाँ पे इंस्टीट्यूट चलता होगा तो क्या आप भी यहाँ पर मतलब कोई उनको मोटिवेशन या फिर ऐसा कुछ करने के लिए आएंगे? क्योंकि कोविड के बाद लोगों का जो मॉरल है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो उसको लेकर आपने क्या सोचा है?
डेफिनेटली जैसे कि खुशबू जी ने पहले भी कहा कि हम लोग सेमिनार करेंगे, वर्कशॉप करेंगे और साइड बाय साइड हम मोटिवेशन वहीं पे ही एक 5-10 मिनट का उनके लिए रिफ्रेशमेंट भी करेंगे। और जैसे कि प्रोडक्शन हाउस के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली आवर प्रोडक्शन हाउस, हम बाहर के प्रोडक्शन हाउस के साथ भी टाई अप करेंगे और जो प्रोफेशनल मेकअप जो सीनियर है उनके साथ एसोसिएट हम उनको करेंगे, क्योंकि ये लोग जब नए सीख के जाएंगे और जो सीखना और प्रैक्टिकल फील्ड में काम करने के अंदर बहुत मतलब डिफरेंस है, तो हम लोग उनके साथ टाई अप करेंगे और उनको बोलेंगे कि इनको असिस्टेंट रखेंगे, ये धीरे धीरे काम सीखेंगे तो प्रोफेशनली अपने आप भी कर पाएंगे। राइट। और खुशबू जी आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पे एक महीने में आप क्या कुछ सिखाने वाले हैं, अगर उस बारे में थोड़ा कुछ जो हमारी ऑडियंस देख रही है उनको बता पाए। यस, एक महीने में उनको प्रॉपर एक वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे वो लोग। उसमें आता है वेडिंग ब्राइडल मेकअप, फैशन मेकअप, पार्टी मेकअप, एवरीथिंग, जो भी मेकअप में जितने भी चीज़ें होती हैं, जो बड़े बड़े मेकअप अकेडमी सिखा रहे हैं उनको, जहाँ पे फीस आप समझिए 5-6 लाख आज के ज़माने में भी है, हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिखाएंगे। सेम सब कुछ उनको सेम टू सेम मिलेगा। एंड यस, एंड देन आई टोल्ड यू कि जो उनको फोटोशूट फ्री में होगा वो, दैट इज इट। सर आप कुछ कहना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है उनको, क्यों यहाँ पे आना चाहिए और क्या कुछ उनको यहाँ से मिल पाएगा? ये एक छोटी सी शुरुआत है मगर ये आगे जाके बहुत बड़ा होना है, मगर हम यही बोलेंगे कि हम हमारे साथ जुड़िए, एक हाथ से दो हाथ होता है और जुड़ के हमें ये नेशन को बनाना है, जो हम खोए हैं उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर हम आगे को देख के आगे का ये रास्ता तय करना है। स्वप्ना जी कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सी फिलहाल टाइम में तो यही बोलेंगे, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड बी पावरफुल, एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आप सबके साथ रहेगा, और जो लोग चाहते हैं कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा खुला है और स्वप्नापति फाउंडेशन और खुशबू जैन मेकअप इंस्टीट्यूट हमेशा उनके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।